अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया केवल जीत ही हासिल कर रही है और एक और श्रृंखला में जीत हासिल करते हुए भारतीय टीम ने इतिहास रच दिया। जैसे भारत ने वेस्ट इंडीज को 88 रनों से शर्मनाक शिकस्त दी, उस पर पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ियों ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद हर एक भारतीय उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएगा। आखिर शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर और पाकिस्तान के पूर्व महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने ऐसा क्या कह दिया जो सुनने के बाद आपका भी खून खौल उठेगा, उसे जानने के लिए वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से महान खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए आखिरी T20 मुकाबले में टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने गजब का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी में दमदार खेल दिखाते हुए दीपक हुड्डा से लेकर श्रेयस अय्यर और कैप्टन हार्दिक पांड्या ने तूफानी बल्लेबाजी कर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। श्रेयस अय्यर ने जहां 4 गेंदों में 64 रनों की बेहतरीन पारी खेली तो वहीं दीपक हुड्डा ने तो 25 गेंदों में 38 रन बनाते हुए 3 चौके और 2 खतरनाक छक्के भी लगाए। फिर आता है हार्दिक पांड्या का तूफान जिन्होंने केवल 16 गेंदों में 28 रन ठोककर विरोधी टीम को हिला डाला और गर्दा मचाते हुए उन्होंने 2 चौके और 2 बेहतरीन खतरनाक छक्कों के साथ भारत को 188 रनों के एक शानदार टोटल तक पहुंचा दिया। अब वेस्ट इंडीज को जीत के लिए 189 रनों की दरकार थी, तब अक्षर पटेल ने तो कैरिबियाई बल्लेबाजों का जीना हराम कर दिया। अपनी स्पिन गेंदबाजी के जाल में नचाते हुए उन्होंने वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजी क्रम की कमर तोड़ कर रख दी, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी दिया गया। वहीं रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने भी शानदार प्रदर्शन कर सबका दिल जीत लिया। रवि बिश्नोई ने जहां 4 विकेट हासिल किए तो वहीं कुलदीप यादव ने भी 3 सफलताएं अपने नाम की। लेकिन भारतीय टीम की जीत पर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों ने बड़ा ही बेतुका बयान दिया। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व महान खिलाड़ियों में से एक शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि टीम इंडिया अगर किसी टीम को हरा दे तो वो दुनिया भर में अपने प्रदर्शन का प्रचार करती है। हमें समझ नहीं आता है कि वो वेस्ट इंडीज जैसी कमजोर टीम को हरा कर इतना खुश क्यों हो जाती है। एशिया कप में जब उनका सामना हमसे होगा तब उनको पता चलेगा कि एक मजबूत टीम से भिड़ना क्या होता है। अभी हमारी टीम ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में उन्हें धूल चटाई थी और अब एक बार फिर से हम उन्हें एशिया कप में चारों खाने चित करके दिखा देंगे कि भारत और पाकिस्तान में कौन सबसे खतरनाक टीम है। दोस्तों, शाहिद अफरीदी के बाद शोएब अख्तर ने अपना बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम में कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उन्होंने हमेशा अपनी टीम के लिए शानदार खेल दिखाया, लेकिन भारत यह मुकाबला जीतकर काफी घमंड में आ गई और उनका घमंड एशिया कप में टूट जाएगा, क्योंकि जब भारतीय टीम हमारी टीम से उनका सामना होगा तब उन्हें पता चलेगा कि एक खतरनाक टीम से भिड़ना क्या होता है। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान ने दमदार खेल दिखाया है और एक बार फिर से भारत को धूल चटाने के बाद हम ये बता देंगे कि क्रिकेट में विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीम हमारी है। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गज शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी के बाद पाकिस्तान के पूर्व महान गेंदबाज वसीम अकरम ने भी बयान देते हुए कहा है कि हमें उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब पाकिस्तान की टीम एशिया कप में भारत से भिड़ेगी और तब और मजा आएगा जब हमारी टीम भारत को धूल चटाएगी। T20 वर्ल्ड कप में हमने उन्हें पानी पिला दिया था और इस बार भी एशिया कप में हम उन्हें धूल चटा देंगे। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय टीम की जीत पर पाकिस्तान के दिग्गजों ने बेतुका बयान दिया है उससे तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि उन्हें टीम इंडिया की जीत रास नहीं आई है और एशिया कप में हराने का झूठा ढोंग वो अपने बयान में बोल रहे हैं। दोस्तों, भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बता दें कि अब तक भारत ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया जहां टीम इंडिया 3-1 से सीरीज को जीतकर इतिहास रच चुकी है। वहीं 5वीं T20 मुकाबले को जीतकर भारत जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगा। टीम इंडिया की तरफ से आज एक बार फिर से नई ओपनिंग जोड़ी देखने को मिली जहाँ ईशान किशन के साथ श्रेयस अय्यर पारी की शुरुआत करने आए और उन्होंने पहले ही ओवर में शानदार चौके के साथ अपने खतरनाक तेवर दिखा दिए। भारत एक ओवर की समाप्ति के बाद 5 रन बना चुका था। 38 रन के योगदान पर भारत को लगा पहला झटका। ईशान किशन 13 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हुए और डोमिनिक ड्रेक्स ने पूरन के हाथों कैच आउट कराया। दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 गेंदों में 23 रन बनाकर वो डटे हुए थे। उनका साथ निभाने मैदान पर दीपक हुड्डा उतर चुके थे और भारत का स्कोर 5 ओवर में 39 रन 1 विकेट पर हो गया। ईशान किशन के जाने के बाद दीपक हुड्डा के साथ श्रेयस अय्यर ने कैरिबियाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मोर्चा संभालते हुए शानदार बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर ने जहां अपने करियर का एक और दमदार अर्धशतक लगाया तो वहीं दीपक हुड्डा ने भी 25 गेंदों में 38 रनों की शानदार पारी खेली। हुड्डा जहां 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 40 गेंदों में 64 रन की अपनी पारी में 8 चौके और 2 छक्के लगाए। हुड्डा को हेडन वॉल्श जूनियर ने आउट किया तो वहीं श्रेयस अय्यर का विकेट जैसन होल्डर ने लिया। जब हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन
जैसन बल्लेबाजी कर रहे थे और 15वें ओवर की चौथी गेंद जैसे ही जैसन होल्डर ने डालनी चाहिए, एम्पायर ने उन्हें रोक दिया और खराब लाइटिंग की वजह से मुकाबले को अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। भारत का स्कोर 14.3 ओवर में 135/3 था। जब दीपक हुड्डा आउट हुए तो उनकी जगह बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन, जो पिछले मुकाबले में नाबाद रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में वो मिले मौके को भुना नहीं पाए और 11 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें ऑडियन स्मिथ ने आउट किया। इसके बाद दिनेश कार्तिक भी ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। 2 चौकों से सजी 9 गेंदों में 12 रन की पारी खेलकर वो भी ऑडियन स्मिथ के ही गेंद पर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद आता है हार्दिक पांड्या का तूफान। जी हाँ, वेस्ट इंडीज के गेंदबाज हार्दिक के तूफान से अनभिज्ञ थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज इस मुकाबले में हार्दिक किस खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करने आए हैं। कार्तिक और संजू के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदों में 28 रन बना डाले, जिन्होंने जैसन होल्डर के एक ओवर में 1 चौके और 2 बेहद खतरनाक छक्के के साथ कुल 19 रन बटोर डाले। हालांकि हार्दिक अंत तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उन्हें ऑडियन स्मिथ ने रन आउट कर दिया। इसके बाद अक्षर पटेल को भी ऑडियन स्मिथ ने ही आउट किया। अक्षर पटेल ने 7 गेंदों में 9 रन बनाए, जहां उन्होंने 1 छक्का भी लगाया। कुलदीप यादव और आवेश खान नाबाद रहे। कुलदीप ने जहां 0 रन बनाए तो वहीं अवैध खान ने 2 गेंदों में 1 रन बनाया। दोस्तों, वेस्ट इंडीज की तरफ से जैसन होल्डर ने 4 ओवर में 38 रन देकर 1 विकेट लिया, तो ओबेद मैकॉय 2 ओवर में 27 रन दिए। डोमिनिक ड्रैक्स ने 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिया। कीमो पॉल को 2 ओवर में 24 रन देकर 1 भी विकेट नहीं ले पाए। हेडन वॉल्श जूनियर ने 4 ओवर में 33 रन देकर 1 विकेट लिया। सबसे ज्यादा विकेट ऑडियन स्मिथ ने लिए, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 बल्लेबाजों को शिकार बनाया। रोमन पवेल ने 1 ओवर में 9 रन दिए। वेस्ट इंडीज को दिया 189 रन का लक्ष्य। जब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने आए, तब उनकी तरफ से आज एक नई चीज देखने को मिली, जहां सैम रहे ब्रूक्स के साथ जैसन होल्डर पारी की शुरुआत करने आए, लेकिन वेस्ट इंडीज का यह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पाया और भारत की तरफ से पहले गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल ने तीसरी ही गेंद पर उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा। ओपनर ब्रूक्स के साथ ओपनिंग करने आए जैसन होल्डर के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज थॉमस का भी विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों ने करवाई बल्लेबाजी। क्रम की पहले पावर प्ले में ही कमर तोड़ दी और इन तीनों ही बल्लेबाजों को अक्षर पटेल ने पवेलियन की राह दिखाई। 10 ओवर तक वेस्ट इंडीज ने 64 रनों पर अपने 4 विकेट गवा दिए थे, जहां कप्तान निकोलस पूरन को कुलदीप यादव ने LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखाई। 64/4 से वेस्ट इंडीज ने जब आगे खेलना शुरू किया, तब भारतीय गेंदबाजों ने एक भी बल्लेबाज को टिकने नहीं दिया। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट रवि बिश्नोई ने लिए, जिन्होंने अपने 2.4 ओवर के स्पेल में 16 रन देकर 4 सफलताएं हासिल की। वहीं इस श्रृंखला में पहली बार मौका पाने वाले कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर के स्पेल में 1 मिड के साथ केवल 12 रन दिए और 3 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। अर्शदीप सिंह और आवेश खान को खाली हाथ लौटना पड़ा, तो वहीं कैप्टन हार्दिक पांड्या को भी विकेट नहीं मिला। इस मुकाबले में एक भी विकेट भारतीय तेज गेंदबाजों को नहीं मिला। भारत ने वेस्ट इंडीज को 15.4 ओवर में ही ऑल आउट कर दिया और टीम इंडिया ने 88 रन से यह मुकाबला अपने नाम किया। इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करने वाले अक्षर पटेल को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया, वहीं मैन ऑफ द सीरीज और युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मिला। दोस्तों, आज भारत और वेस्ट इंडीज की टीम के बीच अंतिम T20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या एंड कंपनी एक नई और युवा प्लेइंग 11 को लेकर फ्लोरिडा के वार्नर पार्क स्टेडियम में उतरी। हार्दिक पांड्या का टीम में कप्तान बनते ही इसके भाग्य ने साथ दिया। उन्होंने इस मुकाबले में टॉस जीता, टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और फिर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की नई ओपनिंग जोड़ी को मैदान पर तहलका मचाने के लिए उतार दिया और इन दोनों ने ऐसा ही किया। इसके अलावा दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या ने भी खतरनाक प्रदर्शन किया। इन सभी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 188 रन बना दिए थे और इंडीज की टीम के सामने जीत के लिए 189 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में बल्लेबाजी करने के लिए आई वेस्ट इंडीज की टीम भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी के सामने घुटने टेक कर चलती बनी। बता दें कि रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव ने 3, तो वहीं स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल ने 2 विकेट चटकाए, जिनके चलते वेस्ट इंडीज की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और 15.4 ओवर में ही 100 रन के स्कोर पर आउट हो गई। और इस मुकाबले में भारतीय टीम को शानदार 88 रनों से जीत प्राप्त हुई। इस मुकाबले में जीत के साथ भारतीय टीम ने इस श्रृंखला को भी 4-1 से इस सीरीज को अपने नाम किया। इस सीरीज में शानदार जीत हासिल कर लेने के बाद भारतीय टीम के दिग्गजों ने भारतीय टीम के खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा पर बड़ा बयान जारी किया है। सबसे पहले भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने बड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने जिस प्रकार से भारतीय टीम को लीड किया, वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में तो कमाल ही कर दिया। जब सरोज शर्मा आए तो भारतीय टीम की कप्तानी में 4 चांद लग गए थे। जिस प्रकार से रोहित शर्मा मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हैं, मुझे वीरूपाजी की याद आ जाती है।